अगर बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप में सामने 3 छक्के मारे तो पूर्व पाक दिग्गज का कप्तान को चैलेंज। बाबर आजम को पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने चुनौती दे डाली है। इस दिग्गज खिलाड़ी ने यहां तक कि अपना YouTube चैनल बंद करने का दावा भी कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को एक नया चैलेंज मिल गया है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए पाकिस्तान की टीम सामने नहीं आई है, लेकिन PCB ने हाल ही में उन्हें दोबारा सीमित ओवरों के फॉर्मेट में टीम की कप्तानी सौंपी है। अब पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट बासित अली ने T20 वर्ल्ड कप से पहले बाबर के सामने चुनौती रखी है। अली का चैलेंज ऐसा है कि बाबर आजम को आगामी वर्ल्ड कप में किसी टॉप टीम के खिलाफ छक्कों की बरसात करनी पड़ेगी। क्या है बासित अली का चैलेंज? बासित अली का कहना है कि वो बाबर आजम को चैलेंज कर रहे हैं। बाबर को T20 वर्ल्ड कप में टॉप टीमों के खिलाफ सामने की दिशा में लगातार 3 छक्के लगाने होंगे। अली ने कहा है कि वो USA, आयरलैंड या युगांडा जैसी छोटी टीमों की बात नहीं कर रहे हैं। बाबर को किसी टॉप टीम के खिलाफ स्ट्रेट दिशा में लगातार 3 छक्के लगाने होंगे। बाबर अगर इस चुनौती को स्वीकार करते हैं तो सामने आकर कहें। बासित अली ने दावा किया है कि बाबर ने ऐसा कर दिया तो वो अपना YouTube चैनल बंद कर देंगे। वहीं बाबर अगर ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें पाकिस्तानी टीम में ओपनिंग छोड़ देनी चाहिए। बाबर आजम ने दिखाया है नए कोच पर भरोसा। आपको याद दिला दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने कुछ दिनों पहले ही सीमित ओवरों के फॉर्मेट के लिए गैरी कस्टन को नया कोच नियुक्त किया था। वहीं टेस्ट टीम की जिम्मेदारी जैसन गिलेस्पी को सौंपी गई थी। बाबर ने कहा है कि गैरी कस्टन्स बहुत अनुभवी कोच हैं और वह वर्ल्ड कप की तैयारियों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वो टीम मैनेजमेंट के साथ भी रणनीतियां साझा कर रहे हैं। कस्टन लगातार अपने प्लान शेयर कर रहे हैं और अभ्यास के दौरान भी खिलाड़ियों की मदद कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ में बाबर ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेली। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, लेकिन अंत में सीरीज 2-2 के साथ बराबरी पर समाप्त हुई। इस सीरीज में बाबर आजम ने 4 पारियां खेली जिसमें उन्होंने 125 रन बनाए। उन्होंने सीरीज के आखिरी मैच में 69 रन की अर्धशतकीय पारी खेलकर अपनी अच्छी फॉर्म के संकेत दिए थे।